बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं क्या काम कर रहा हूं, और फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो वॉच करते रहें ताकि आपको पता चलेगा कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो मेरी बनाने का क्या मकसद है, यानी कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो आप फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड्स एक तो मैंने सैंपल के तौर पे बना के यहाँ लगा दिया है ताकि आपको पता चले कि ये मैं ये चीज़ बनाने जा रहा हूँ और ये बना के लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये देखें येलो कलर की जो ये मैंने बैरल लगाया है येलो कलर का, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ये आपको तीन बेबी नज़र आ रहे हैं इस पेयर के, तो इसमें जो है मुझे आसानी होगी कि मैं इसमें जो है दाना रखूं या इसको यानी कुछ चीज़ ज़्यादा रखूं ताकि यहाँ बच्चे होंगे, यहाँ इस केज की ये निशानी होगी कि इसमें ये बैरल लगा होगा तो इसमें पता होगा कि इसमें जो है बच्चे हैं, यानी कि इसमें लोटी में जब बच्चा निकलेगा तो मैं ये बैरल जो है ये अभी यानी कि इसमें बच्चा निकला है, इसमें तो बच्चे निकले हैं तो मैं ये बैरल लगा दूँगा यहाँ पर, और इससे ये बैरल लगा दूंगा तो इससे मुझे जो है पता चलेगा कि इसमें जो है बच्चे हैं और मुझे जो है इसमें दाना पानी और यानी कि उनकी केयर के लिए मुझे याद रहेगा। माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे यानी कि केज हैं और किसी केज पे यानी कोई निशानी नहीं है, किसी कलर का बैरल नहीं है, तो इसलिए आज जो हूँ मैं ये बैरल लगा रहा हूँ। तो एक तो मैंने लगाया है और बाकी आपको मैं दिखाऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ बैरल लगाना है, किस किस केज में बेबी हैं बच्चे हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो वॉच करते रहें। तो ये देखें ये मैं लाया हूँ, ये सामान है जो भी है, तो ये देखें इसमें ये तीन प्लस हैं और ये जो बैरल हैं पतले पतले और ये जो है तार है, तो ये जो है सब इसी में काम आएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो वॉच करते रहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तो मैं आज यहाँ आपको ये इस तरह का बैरल लगा के दिखाऊंगा, बल्कि यहाँ तो इस तरफ जो है ये 12 केज हैं, इसमें मैंने पूरे बैरल लगा दिए हैं। अब जो है यहाँ मैंने बैरल लगाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 केज हैं यहाँ बैरल लगाने हैं और उस तरफ भी मैंने बैरल लगा दिए हैं। तो आए आप मेरी वीडियो देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। तो मैं अभी ये बैरल यहाँ फिट करना शुरू करता हूँ, आप देखते रहें। तो ये देखें फ्रेंड्स, तो पहले मैंने ये तार उठा ली है, तो ये तार है इसको इस तरह करेंगे इसको पहले इस तरह देखें, इस तरह करेंगे ताकि ये इस तरह मुड़ जाए, ताकि ये पतली भी इससे मोटी हो जाएगी ये। ये मोटी हो गई है तो फ्रेंड्स इसको जो है ना के साथ ऐसे कर लेंगे ताकि ये सही हो जाए। तो अभी ये बैरल यहाँ लगा हुआ है, तो अभी जो है यहाँ लगाना है मैंने, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये बैरल फ्रेंड्स, तो ये अगर आप भी लगाएं तो आपके लिए भी अच्छा होगा, इसलिए कि इसमें
से जो है आपको पता लगेगा कि इस जगह पे यानी कि बच्चे निकले हुए हैं, इस जगह पे अंडे हैं, इस जगह पे क्या है, तो आपको देखने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये यहाँ ये बैरल लग गया, अब नीचे लगाना है। तो ये दूसरी तार उठा ली मैंने, तो जैसे मैंने जब जल्दी बोल लिया इसको प्लस के साथ, ये गोल हुआ हुआ इसको जो है इस तरह पतला कर दिया। तो फिर यहाँ पर इस जगह पे तो यहाँ जो है तो यहाँ घुमा के ऐसे गोल घुमा के फिर इसको अंदर से इसलिए घुमा रहे हैं फ्रेंड्स ताकि ये इसकी मजबूती पकड़ हो जाए। ताकि ये मजबूत और मोटी तार बन जाएगी तो बैरल जो है सही लगा रह जाएगा। वीडियो जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप पूरी बात करेंगे तो आपको बराबर पता चलेगा कि मैंने किस तरह काम किया है। तो कभी आपको भी बनाना पड़े तो उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये देखें तो जहाँ पे भी जो बैरल लग गया था, ये देखें यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, नीचे भी लगा हुआ है। अब आ जाए इस तरफ, अब लग जाओ सामने। यहाँ पर भी है, यहाँ लगा देंगे इस जगह में। ताकि ये मजबूत बन जाए। यहाँ पर भी पैदल लगे आप जो ये दूसरा बना रहे हैं। Thank you.
काम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने काम किस तरह किया है। ऐसे तो मैं लगा के दिखा देता, मैंने कुछ तो लगा के आपको दिखाए, मैंने काम किया नहीं है, बस आपको दिखाया है कि मैंने ये फिट किया हुआ है। मगर अभी जो है तो ये मैंने जो है ना किस तरह फिट किया है तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैंने काम जो किया है किस तरीके से किया है। तो ये देखें यहाँ पर भी लग गया था, देख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वहां पर भी लगाने हैं, तो वह भी आपके साथ वो भी दिखाता हूँ, तो बने रहेंगे साथ। तो फ्रेंड्स वहां मैंने सारे लगा लिए हैं, तो अब यहाँ 1, 2, 3, 4 है तो इसमें लगाने हैं। तो आप देख रहे हैं ये तार है, तो इसी तरह वहाँ लगाई है मैंने 4, 1, 2, 4, 5, 6 वहाँ लगाए, और इसी तरह ये 4 बाकी हैं यहाँ, तो ये 4 लगाता हूँ। Thank you.
मास्क की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी लगा दिया, ये यहाँ पर भी लग गया। अब आखिरी रह गया, आखिरी बनाना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये आखिरी में भी लग गया। तो फ्रेंड्स, ये सारे मुकम्मल हो गए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरे जितने भी हैं, यानी 12 गेज हैं, इन सारों में मैंने बैरल लगा दिए, और वहाँ पर भी मैंने लगा दिए, सब जगह पर मैंने लगा दिए बैरल। तो अब इससे मुझे आसानी होगी कि यानी कि किसी में बच्चे निकले हुए हैं वो मैं आसानी देख सकूँगा, और मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। यानी कि मुझे हर गेज में बार बार झांकना नहीं पड़ेगा। बस इस बैरल वाले में भी देखना है कि हाँ, बच्चे इधर निकले हुए हैं कितने हैं, इनके यानी कि इनकी फीडिंग हुई हुई है, इनको माँ बाप ने खाना खिलाया हुआ है, ये सब यानी कि बआसानी देखा जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आएंगे नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।